अस्सलाम वालेकुम मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल के जवार भाई हम गाड़ी ले रहे हैं और गाड़ी को हम किस तरह से अपने नाम ट्रांसफ़र करा सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी ले रहे हो या फिर आप पंजाब रजिस्टर्ड गाड़ी ले रहे हो या फिर आप जो है सिंध की रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी ले रहे हो तो इनका क्या तरीक़ा कार है और किस तरह से गाड़ी को आप अपने नाम ट्रांसफ़र करा सकते हो कुछ बायोमेट्रिक के भी आपके सवाल होते हैं उनके बारे में भी आपके जवाब दूँगा वीडियो

रजिस्टर गाड़ी को किस तरह उसकी मलकियत को आपने चेंज करना है लेकिन कुछ लोग ये पूछ रहे होते हैं कि क्या हम सिंध से गाड़ी लें सिंध नंबर गाड़ी हो तो क्या हम उसमें रजिस्ट्रेशन को चेंज करा सकते हैं और पंजाब का किसी बीसीटी सिटी का नंबर लगवा सकते हैं या आल पंजाब नंबर लगवा सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जब गाड़ी का किसी भी आ, सूबे का किसी सिटी का नंबर लग जाता है तो फिर उसमें आप तब्दीली नहीं करा सकते तो सिंध नंबर गाड़ी जो है फ़िलहाल ये ओपन है बग़ैर बायोमेट्रिक के गाड़ी अभी तक जो है ट्रांसफ़र हो रही है तो उसका तरीक़ार ये है कि आपके पास जो कागज़ात हैं जिसके नाम गाड़ी है जस्ट उस बंदे की जो आई कार्ड की फ़ोटो कापी है सी, सी जो है वो साथ लगेगा याद रहेगी उसकी डेट एक्सपायर ना हो और आप जाकर कागजात महकमा एक्साइज़ में जमा कराएंगे वहाँ पर जो ट्रांसफ़र फ़ी होगी या गाड़ी के अगर कोई टैक्स वगैरह आपने पे नहीं किए तो वो टैक्सेस वगैरह दे के गाड़ी आपके नाम ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाएगी आप आ जाते हैं जी सेम से निकल कर पंजाब की तरफ कि पंजाब नंबर गाड़ी को आप अगर ले रहे हो किसी शोरूम डीलर से या फिर आप जो है किसी से भी गाड़ी ले रहे हो तो उसको किस तरह से आपने अपने नाम भी कराना है और बायोमेट्रिक जो है वो आपने मौके पे लेनी है या क्या करना है अक्सर तो आप लोग गाड़ी लेते हो और आपको बायोमेट्रिक का टाइम दिया जाता है लेकिन बाद में आपको जो है लोग आपसे डिमांड कर रहे होते हैं कि हमसे हम आपसे हम इत, आप इतने पैसे लेंगे तो खुदा रहा आप जिस किसी भी अन नोन बंदे से गाड़ी ले तो एक आपका जानने वाला है वो तो कोई इशू नहीं अगर अन नोन बंदे से आप गाड़ी ले रहे हो तो कम अज़ कम तीन चार लाख रुपये अमाउंट कम दें अगर आप बीस या पच्चीस लाख की गाड़ी ले रहे हो भैया उसे कहें कि उस टाइम हम वो अमाउंट देंगे जब गाड़ी की आप हमें बायोमेट्रिक देंगे ये बात करने का मकसद ये था कि अक्सर मुझे कॉल्स आती है कि जवार भाई हमें बायोमेट्रिक के बदले में हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं तो भैया आप पैसे क्यों दें अगर किसी का आपस में ऐसा कोई लेन देन है तो वो ख़ुद करें आपके बायोमेट्रिक का बहाना बना के लोग रिज के हराम कमाते हैं अब हम आ जाते हैं कि पंजाब रजिस्टर्ड गाड़ी को आपने किस तरह से अपने नाम ट्रांसफ़र कराना है इसका तरीक़कार इस्लामाबाद से मुख्तलिफ है जी हाँ उसका तरीक़ेकार ये है कि अगर आप किसी से पंजाब रजिस्टर्ड आल पंजाब या लाहौर का नंबर है कहीं का भी है तो सबसे सब पहले आपके लिए जो एक गुड न्यूज़ है कि आप अपनी पंजाब की किसी भी सिटी में गाड़ी को अपने नाम करवा सकते हैं ये नहीं है कि आपको लाहौर नंबर की गाड़ी है तो आपको लाहौर साइज

उसकी भी बायोमेट्रिक होगी ठीक है अब जब आप दोनों की बायोमेट्रिक हो जाएगी तो उसके बाद वो गाड़ी आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी याद रहे कि इसके जो टाइम है पहले उन्होंने इसकी जो टाइम था उसको कुछ बढ़ाया था लेकिन अब मुझे ठीक से याद नहीं है तकरीबन एक महीने के अंदर अंदर आपको गाड़ी अपने नाम करानी पड़ती है आप आ जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ के अगर आप लोग इस्लामाबाद रजिस्टर गाड़ी ले रहे हैं तो जब तक गाड़ी की फिज़िकल इंस्पेक्शन हो नहीं होगी उसकी बायोमेट्रिक नहीं निकलेगी ये आपके लिए एक अच्छा न्यूज़ भी है कुछ कारोबारी हजरात के लिए ये एक तकलीफ़ भी साबित हो जाता है क्योंकि ज़हरा अब एक बंदा गाड़ी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ हमारी सिटी बखर है यहाँ से ले रहा है तो अब आ उसको आ जो है इस्लामाबाद जाना पड़ेगा गाड़ी फिज़िकल इंस्पेक्शन होगी गाड़ी की उसके बाद जो है गाड़ी की बायोमेट्रिक निकलेगी और फ़ायदा उन लोगों को है कि गाड़ी अगर टेम्परिंग वाली है कट वाली गाड़ी है तो वो वहाँ पर पता चल जाएगा और वो गाड़ी की बायोमेट्रिक नहीं निकलेगी फिज़िकल इंस्पेक्शन का मतलब भी यही है तो भैया सबसे पहले वो गाड़ी जाएगी इस्लामाबाद उसकी फ़िज़िकल इंस्पेक्शन हो जाएगी फिज़िकल इंस्पेक्शन हो जाने के बाद जिसके नाम गाड़ी है वो बंदा बायोमेट्रिक देगा तो गाड़ी आपके नाम ट्रांसफ़र होगी याद रहे कि इस्लामाबाद की जो बायोमेट्रिक सिस्टम है इसके अंदर जस्ट जो है जिसके नाम गाड़ी पड़ी है वो बायोमेट्रिक देता है जिसके नाम होती है उसकी बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं होती अब आप लोगों का सवाल होता है बंदा है फ़ॉरन कंट्री में फ़ारन चला गया है तो क्या हम कैसे लें बायोमेट्रिक वो एक खपा देने वाला काम है बहरहाल सबसे आसान ये है कि वो वापस आएगा तो आपको बायोमेट्रिक देगा अगर किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट साथ भी हो तो गाड़ी आपके नाम नहीं होगी कभी भी डेथ सर्टिफिकेट साथ लगाओ तो गाड़ी बिल्कुल ना लेना क्योंकि उसके लिए फिर डेथ सर्टिफिकेट तो साथ होगा लेकिन मैकमेक्साइज आपसे कहेगा उसके जितने घर के पर्सन है जो फर्द हैं वो किसी एक को वारिस बनाए वो अदालत में जाएंगे एक वकील करेंगे वो भी खपा देने वाला काम है तो बिल्कुल आप कभी भी इस चीज़ में ना पड़ना कि किसी की डेथ सर्टिफिकेट साथ है और बंदे की डेथ हो गई तो गाड़ी जो हमारे नाम हो जाएगी ये भी खपा देने वाला काम है ये एहतियात आपने ज़रूर करनी है आज अब अगर आपको कोई बायोमेट्रिक नहीं दे रहा तो उसका मेरे पास तो भैया कोई हाल नहीं है जब गाड़ी आप लेते हैं तो इन चीज़ों को क्लियर कर लिया करें क्योंकि आ, सम टाइम ऐसा होता है आप दो तीन साल से गाड़ी चला रहे हो दो साल बाद आपको ख़्याल आता है कि हमें बायोमेट्रिक चाहिए तो आप जिसके नाम गाड़ी पड़ी है वो पहला बात यही करता है कि भैया मेरा तो बकाया था आप उस बंदे से कोई पूछे भैया अगर आपका बकाया था तो आपने गाड़ी के कागजात क्यों दे दिए मतलब ये होता है हराम खाने के हज़ारों तरीके होते हैं तो ये था तीन तरह की जो गाड़ियाँ हैं उनको बायोमेट्रिक के जरिए अपने नाम ट्रांसफ़र करने का लेकिन याद रहे कि सिंध भी इन शमिंग सॉन वो भी जो है बायोमेट्रिक सिस्टम में आ रहा है उस तरफ मूव कर रहा है तो सिंध रजिस्टर्ड गाड़ी अगर आपके पास है तो जल्दी से अभी आसानी अपने नाम करा लें तो ये कुछ अपडेट थी गाड़ी को अपने नाम ट्रांसफ़र कराने की उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर करना आप अपने होस्ट जवार को इजाज़त दीजिए अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना अल्लाफिज